इसने कहा था कि अगर आपके पास कोई लिमिट है और आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स अलग है ऊपर और नीचे कोई फंक्शन एक अलग से है, अलग अलग फंक्शन है, एक फंक्शन आप एफ ऑफ एक्स कह लेते हैं और एक फंक्शन को हम जी ऑफ एक्स कहते हैं। उसने कहा है कि अगर आप उसके अंदर लिमिट पुट करें एक्स टेंड्स टू ए तो वो फंक्शन आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है, जीरो ओवर जीरो एंड इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी एट कहां पे एक्स इक्वल्स टू ए पे। तो फिर उसने कहा था आप इस पे अलग अलग से डेरिवेटिव को यूज करें, मींस एफ के ऊपर ऊपर अलग से करना है, जी पे अलग से करना है, तो उसके बाद देन अप्लाई करें तो यू विल गेट योर आंसर एंड यू विल गेट रिड ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो हमारे पास दो फंक्शन है, जिस तरह अज्यूम दैट दोनों फंक्शन डिफरेंशियबल हैं और कंटिन्यूस हैं, कहां पे एक लिमिट पे कंटिन्यूस है। तो हमने ये बताना है कि इफ द अगर वो इनफाइनाइट हो रहे हैं, मीन अगर वही फंक्शन जो हमारे पास है अगर मैं पुट करता हूँ तो वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहे हैं। तो उसने कहा था क्या कि आपने अगेन वंस अगेन क्या यूज करना है, ये प्लस माइनस है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं या राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं तो आपके पास इंफिनिटी आना चाहिए, बट नॉट इक्वल्स टू ए, मतलब आप ए पे पहुंच रहे हैं, ए तक पहुंचने के लिए आप कुछ चीजें ऐसी, अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे उससे आप मोर क्लियर हो जाएंगे कि ए तक पहुंचने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड से भी हम आते थे, राइट हैंड साइड से भी आते थे, दोनों साइड से आए, लेकिन हर बार क्या होता है कि आपको इन्फिनिटी ही मिल रहा है। जब इन्फिनिटी मिल रहा है तो हम इसके लिए फिर क्या यूज करते हैं, एल ओपिटल रूल। अब देखिए आपके पास एक फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं, बल्कि वेट, इसका स्लिप भी कर लेते हैं, बहुत ही आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। ये देखिए आपके पास ये रहा फंक्शन, दिस वन, तो हमने क्या करना है, आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमने क्या यूज करना है, एल ओपिटल रूल को यूज करना है। अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो आपको ये फंक्शन, उसने कहा था एक अलग से एफ ऑफ एक्स है और ये वाला क्या है, जी ऑफ एक्स। तो मैंने क्या किया, लिमिट क्या है आपकी टू, मैंने क्या किया है कि एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई किया, जी ऑफ एक्स पे अप्लाई किया, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, मीन जीरो ओवर जीरो आ गया। जब ये आ गया तो मैं कह सकता हूं कि ये अनडिफाइन है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जब ये अनडिटर्मिनेट है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले पे फिर से अलग से डेरिवेटिव, और जो नीचे वाला मेरा फंक्शन होगा वो क्या है, फोर एक्स क्यूब प्लस टू, और लिमिट क्या है, एक्स टेंड्स टू टू, तो मैंने लिमिट क्या कर देनी है, इस पे अप्लाई कर देनी है। तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो आपके पास एक डिफाइन आंसर आएगा, पुट करके देखते हैं, और नीचे अगर मैं पुट करूं तो फोर, टू का स्क्वायर क्या होता है, एट प्लस टू, ट्वेल्व डिवाइडेड बाय 34, और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 6/17 आ जाएगा। मींस आपका ये कोई ना कोई डेफिनेट आंसर आ रहा है, नॉट इनडेफिनेट या अनडिटरमाइंड, जो हमने पीछे कर चुके हैं, अभी हमने पीछे किया था। अब मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर, साथ साथ आप इन क्वेश्चन को साथ साथ करते जाइएगा, एल ओपिटल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वन मोर क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन मतलब इस
ये जो रूल है ना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, जो हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करते थे अगर आपको याद होगा, यू आवर वी, तो वो बहुत लेंदी हो जाता। तो इसने कहा था कि अगर आपको क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ आप प्रोडक्ट रूल अगर ऊपर यूज कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज आप दो फंक्शन को अलग से डेरिवेटिव करें। अब जिस तरह मेरे पास एक और है कि माइनस का 2x आ जाएगा, पहले तो आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको पता है आपके पास क्या आएगा, 0.0, अनडिटरमिनेट फॉर्म। अनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या हो गया, 0/0 हो गए। तो उसके बाद हमने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा ये एक और बात बताऊं, फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट टाइम भी डेरिवेटिव किया, ये एक और बात सुन ले, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया और उसमें भी 0.0 आ गया, तो आप क्या करेंगे फिर, उसको लेके जाएंगे सेकेंड टाइम तक, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, उसमें भी अनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी समथिंग इस तरह कुछ आ गया, तो फिर दोबारा क्या करेंगे, थर्ड टाइम करेंगे। जब तक आपके पास कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं मिल जाता तो तब तक आप इसका जो डेरिवेटिव है वो आप करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा फर्स्ट टाइम में ही, क्योंकि अब ऊपर से अलग से फंक्शन -2h, अगर मैं नीचे वाले से करूँ तो हमारे को पता है कि साइन का फॉर्मूला अगर मैं यूज करूँ तो साइन, एक मैं पहले इसको रेज कर लेता हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 2x, हमें पता है कि साइन पाई एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, कॉस पाई एक्स, डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स, तो पाई के एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब मैं लिमिट पुट कर सकता हूँ, ऊपर -4 आएगा, नीचे क्या आएगा, कॉस 2 पाई, और कॉस 2 पाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर एक डेफिनेट फॉर्म में आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि यही मेरा आंसर है, और यहां तक मैंने नहीं, इन क्वेश्चन में तो लिमिट आपको दी जाएगी ना, वरना आपको पता कैसे चलेगा, ये लिमिट अप्लाई करके कैसे देखोगे कि ये डेफिनेट फॉर्म है या इनडेफिनेट फॉर्म है, कुछ तो रूल करना है ना इसके साथ, तो कुछ करने के लिए तो फिर ऐसा होगा। ये एक क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं इसको आपको, ये देखिए क्वेश्चन ये है कि आपके पास हाँ वो अलग होती है, अगर आपके पास लिमिट 0 के ऊपर प्लस नजर आ रहा है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये होगा कि 0 जो है वो राइट हैंड साइड से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं आ रहा, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर मैं x लेस देन एंड इक्वल टू 0 पे, तो वो डिफाइन भी नहीं है, तो अगर x अप्रोच करेगा कहाँ पे, 0 पे करेगा, तो ln x अप्रोच कहाँ करेगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ करेगा, तो 0.इंफिनिटी, तो मतलब वही इंफिनिटी के फॉर्म में इसने कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि हमारे पास स्टिल इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। अच्छा ये एक एक केस और देखिएगा, अगर आपके पास 0×∞ आएगा ना, वो भी अनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, वो भी डिफाइन नहीं होगा, ये भी एक नई फॉर्म है जो हमने ऊपर की भी थी कि इन्फिनिटी की पावर 0 या 0 की पावर इन्फिनिटी समथिंग, तो आप ये याद रखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं अपने फंक्शन को यू अपॉन वी या यू इंटू वी पे फॉर्मूला अप्लाई करूं और नीचे, अच्छा एक बात और, हम इस फंक्शन को नीचे लेके क्यों आए हैं, अगर आपको याद होगा एल ओपिटल ने कहा था कि आपके पास इस जो है
न्यूमिरेटर भी कोई ना कुछ होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, एक्स की पावर -1 लिखा है। हम पहले उसको लिखेंगे तो तभी तो हम इस पे रूल पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बनेगा एफ ऑफ एक्स, तभी तो ये जी ऑफ एक्स बनेगा। अगर ये बनेगा ही नहीं तो फायदा क्या हमारे करने का। अच्छा, इन्फिनिटी एल एन 0 पुट कीजिएगा तो इन्फिनिटी आता है, वो एरर दे रहा है और वो एक्चुअली इन्फिनिटी ही होता है। वी कांट यूज यू डॉट वी, यही तो मैं अभी समझा रहा हूँ। यू डॉट वी क्यों? अच्छा, यू डॉट वी अगर यूज कर रहे हैं तो क्यों करें? अगर यू डॉट वी यूज कर रहे हैं तो क्यों करें? अभी हमने एल ओपिटल जो ऊपर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, उसने कहा था कि अगर आपके पास ऊपर कोई फंक्शन हो लिमिट के साथ, लिमिट भी हमारे पास है, नीचे भी कोई फंक्शन हो जिसे आप जी ऑफ एक्स का नाम दें और उन दोनों को अलग से डेरिवेटिव करके, तो देन आप किससे बच सकते हैं, अनडिटर्मिनेट फॉर्म से बच सकती हैं। तो अगर आपका ये फॉर्म बनी होगी तभी तो एल ओपिटल रूल लगेगा, अदरवाइज कैसे यूज करोगे इसको। आई होप कि अब आपको समझ में आया हो। आई होप कि ये जो पॉइंट है, 0 से इन्फिनिटी कैसे अप्रोच कर रहा है बेटा। एल एन 0 क्या होता है, जरा चेक तो करके बताओ। एल एन 0 कैलकुलेटर में चेक करके तो बताओ क्या होता है। हाँ, तो इन्फिनिटी देगा ना, यही तो इसलिए हमने, अच्छा, यू प्रोडक्ट रूल हम यूज नहीं कर सकते, क्यों, इसका भी हमने रीजन बता दिया। अब इसमें भी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अब जब मैं ऊपर अलग से डेरिवेटिव यूज करूंगा तो क्या आ जाएगा, एल एन एक्स। जब मैं नीचे अलग से यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफाइंग तो मेरे पास बचेगा क्या, माइनस एक्स ओनली बचेगा। अगर ये बच गया तो मैं अब लिमिट अप्लाई करके 0 ला सकता हूं। देखें क्या 0 इसका प्रॉपर आंसर है, बिल्कुल 0 एक आंसर है इसका, प्रॉपर है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। देखिए, हमने कहा था कि इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर इन्फिनिटी, 0 ओवर 0, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन 0 है, 0 के साथ कुछ इन्फिनिटी या अनडिटरमाइंड फॉर्म तो नहीं लगा हुआ ना, ये खुद सिर्फ एक 0 आया है पुट करने पे, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका आंसर वैलिड है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो हम अनडिटरमिनेट फॉर्म से बच गए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं साथ साथ, आपने भी बताना है क्या करना है। देखिए, e की पावर x-x-1 cos x-1, पहले आप 0 अप्लाई करें, 0 ओवर 0 अगर आ रहा है तो फर्स्ट अप्रोच में ही अगर आपके पास आंसर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा, फर्स्ट अप्रोच आप करते हैं तो उसमें ही आपको 0 ओवर 0 दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम उसके बाद ये कर सकते हैं कि हम ऊपर एक अलग से डेरिवेटिव को यूज करें, जिस तरह एल ओपिटल ने कहा था, नीचे अलग से करें, देन वी अप्लाई, तो उसके बाद गेट आंसर, विल गेट आंसर। तो आप अप्लाई करें, क्योंकि e की पावर x तो वैसे ही रहेगा, -x 1 होता है, cos का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, और 1 का डेरिवेटिव 0,
तो किसी भी चीज की पावर अगर मैं जीरो, अच्छा वन का डेरिवेटिव पुट करूं तो क्या आएगा, जीरो। अच्छा ये सेकेंड टाइम में भी जीरो हो रहा है, कि अगर इसमें देखें तो इसमें भी क्या हो रहा है, जीरो। तो देन आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम अप्लाई किया जीरो, अब आप सेकंड में अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपका आंसर आ जाए, और वो आपने करना है। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया हो। देन वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को और देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन इसमें मैंने स्किप किया हुआ है, बुक से देख लीजिएगा, वो आसान है। फर्स्ट टाइम में इंपोर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, हाँ -1 आंसर आएगा, गुड। वन आवर साइन एक्स एक्स टेंस टू जीरो माइनस, पहले आप अगर इसके अंदर मैं पुट करूं तो ये आपको, अब देखें अब आपको इस चीज का आइडिया कि 1/0 -1/0, तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं। समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई, अनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब ये बन गई तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लें, फर्स्ट स्टेप। अब पहले आप एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स साइन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, साइन एक्स माइनस एक्स। अब आप फर्स्ट टाइम में डेरिवेटिव कर लें, और नीचे यू डॉट वी का फॉर्मूला अब हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नीचे प्रोडक्ट रूल को यूज कर सकते हैं, तो करें जी प्रोडक्ट रूल को यूज। तो प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। अब आप लिमिट को यूज करें तो अगर आपके पास स्टिल ये आपके पास अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है तो आप अगेन यूज करें। देखें अनडिटर्मिनेट फॉर्म मीन्स नीचे भी जीरो आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर जीरो आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, वन। और एक मिनट में अगर इसमें पुट करूंगी कुछ, यू डेरिवेटिव ऑफ वी, वी डेरिवेटिव ऑफ यू, तो आपके पास फिर से क्या आ रहा है, जीरो ओवर जीरो आ रहा है। अगर जीरो ओवर जीरो आ रहा है तो आपने इसको, हमने फर्स्ट टाइम में डेरिवेटिव किया है तो आपने इसको सेकंड टाइम में डेरिवेटिव करेंगे, तो सेकेंड टाइम में डेरिवेटिव करके देखेंगे इसका। चलें ये हो गया, तो इसके कुछ और क्वेश्चन भी देख रहा हूँ। ये कुछ और इंटरमीडिएट फॉर्म की वैल्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं, ये मैं आपको देखिएगा, ये रहे,
लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ मीन 0 की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी और इंफिनिटी की पावर 0, तो ये भी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म. लिमिट कैन टेक, यही है कि सही. इस केस में भी क्या होगा कि आपने एल लोपिटल रूल को यूज करना है. अगर आपके पास 0 ओवर 0 आ जाए, 1 की पावर इंफिनिटी आ जाए और इंफिनिटी की पावर 0 आ जाए, तो फिर भी आपने यूज करना है. थोड़ा सा और इन चीजों को समराइज करते हैं, कुछ और भी देखते हैं. अब आपके पास एक और क्वेश्चन है जिसे मैं कहूंगा कि x की पावर x है 0 ओवर 0, तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही बनेगा. हम क्या करेंगे इसके लिए, हाँ तो हम क्या लेंगे, टेकिंग जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था ln y का, तो इसमें हम टेकिंग ln लेके फिर 1 ओवर y dy by dx, फिर उसके लिए डेरिवेटिव अलग से करके उसको नीचे लेके आते हैं जो पहले वाला केस करा था. ये भी सेम एज इट इज वैसे ही केस होगा. तो हम यहाँ तक करने के बाद अगर आप पुट करें तो ln 0 वही आपके पास आई थिंक इन्फिनिटी आएगा और वो 0 होगा. तो ये कुछ सारी चीजें. अब इसको एक और लिखने का मेथड ये है कि अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 को e की पावर l, इसको मैं अगर इस तरह लिखूं e की पावर ln x की पावर x, मींस ये दोबारा कैंसिल होके यही वाली वैल्यू बन जाए, तो इसलिए उसको x की पावर x लिखा हुआ है. तो अब अगर एक्सपोनेंशियल में ln x की पावर x जो लिखा हुआ है, अब आप अगर उस पर लिमिट अप्लाई करें अलग से, तो ये किस तरह बन जाएगा. आप पहले तो इस पे रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा, बी एल एन ए प्रॉपर्टी यूज करेंगे. जब बी एल एन ए की प्रॉपर्टी यूज करेंगे देन अप्लाई लिमिट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. तो आप इससे भी करके देखिएगा, एल एन जीरो पे इंफिनिटी. आप इसको और मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए उन्होंने बोला है बाय एग्जांपल 4, तो आप इसको जिस तरह एग्जांपल 4 प्रीवियस हमने की है ना, ये ln x x की पावर -1, इसको डेरिवेटिव करते रहिएगा. ये फ्रॉम ग्राफिकली है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये ग्राफिकली है. अभी मैं ग्राफिकली भी दिखा देता हूँ आपको कि ग्राफिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं. ये आपका ग्राफ आ गया कि अगर मैं जीरो पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा. उसने ये कहा है कि y इक्वल्स टू, अगर वो अप्रोच करेगा 1 की तरफ, तो x अप्रोच कहाँ करेगा, 0 की तरफ, 0 का प्लस की तरफ. मींस क्योंकि ln की वजह से ये इस तरह है, तो जैसे जैसे मैं अपनी वैल्यू को मतलब 0.1 वो कम होते 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 आहिस्ता आहिस्ता, मतलब 0.1 की पावर अगर 0.1 लें, फिर 0.2 लें ये फंक्शन, तो ये आपको क्या दे देगा, वैल्यू दे देगा. आपकी इसके बाद क्या कोई नेक्स्ट क्लास है क्या? यस सर, केमिस्ट्री की. कौन से टाइम पे? सर 12:20. और कुछ बच्चे बोल रहे हैं फ्री हूँ. सर फिर क्या लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं. एक और चीज ये है कि अगर 0 की पावर 0 हो तो आंसर क्या आएगा, ये भी देख लीजिएगा, 1 आएगा. हमने कहा था किसी भी चीज की पावर 0 तो आंसर 1 आता है. तो यहाँ पे जो आपके पास स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1. तो ये रहा 0 और ये रहा 1. उसने कहा था कि अगर y ऑफ x, ये आपने बात से
ये चीज आप ध्यान से देखें कि अगर y इक्वल्स टू x की पावर x अप्रोच कहाँ कर रहा है, वन की तरफ, तो उस वक्त फंक्शन कहाँ की तरफ करेगा, जीरो की तरफ करेगा। तो मीन्स अगर मैं जिस तरह अभी मैंने बताया भी था कि अगर मैं x को अप्रोच करवा रहा था जीरो की तरफ, तो मेरा फंक्शन जो पूरे का पूरा था वो किस तरफ जा रहा था, अभी वन की तरफ जा रहा था। इसी तरह की आप कुछ और वैल्यू पुट करते जाएं, जब आप कुछ वैल्यू और पुट करेंगे तो आपको ये फंक्शन कुछ समथिंग लाइक दैट इस तरह मिलेगा। अच्छा, ग्राफिकली ये अप्रोच देखने, जिस फंक्शन पे ये देखें मैंने जीरो पुट किया, जीरो की पावर जीरो पे वन आया, तो आप ग्राफिकली ये बता सकते हैं कि इस वैल्यू पे मुझे क्या मिलेगा, मेरी लिमिट मिलेगी कि मैं जब x टेंड्स टू जीरो करूंगा तो मेरा फंक्शन जो है वो कहाँ अप्रोच करेगा। तो ग्राफिकली भी लिमिट को आइडेंटिफाई करिएगा आप, जिस तरह भी बताया। हाँ, जीरो की पावर जीरो वन होता है, ठीक है।